कहा जाता है यह श्री नारायण को पवित्र महीना समर्पित है। कई भक्तजन कार्तिक स्नान करते हैं, दीप दान करते हैं, उपवास का नियम लेते हैं। गुरु जी कहते हैं 16 अक्टूबर जिस दिन शरद पूर्णिमा रहेगी, 15 नवंबर तक आप सभी को कभी भी किसी भी दिन यह सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है। हल्दी कुमकुम का यह उपाय बहुत सरल है, परंतु इससे पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे, व्यापार इत्यादि चल निकलेगा, घर में सुख समृद्धि रहेगी, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। हल्दी तो घर पर होती ही है, कुमकुम भी घर पर है ही, तो क्यों ना इस कार्य को कर लिया जाए। एक अद्भुत स्वरूप में भाग्य उदित होगा और घर का सभी सदस्य इसे लाभ प्राप्त करेंगे। भले ही आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते होंगे कार्तिक स्नान करना थोड़ा कठिन रहता है, नियम धर्म होते हैं, मासिक धर्म इत्यादि की स्थिति हो जाती है बीच में, कोई दिक्कत नहीं कर पाते हैं, तो भी श्री नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए हल्दी कुमकुम का सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको करना है। चाहे तो 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन करें, चाहे तो 15 नवंबर 2024 तक, जब कार्तिक का महीना कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक आपको जब भी समय मिले आपको तब उपाय करना है। कैसे करना है ध्यान से सुने। सबसे पहले उपाय करने के लिए आपको अपनी पूजा की थाली में गोल बत्ती का घी का दीपक रखना होगा। एक जो है छोटी सी कटोरी में हल्दी की आवश्यकता होगी। हल्दी कौन सी चाहिए? पिसी हुई हल्दी चाहिए। हल्दी सौभाग्य की निशानी होती है। हल्दी अपने आप में अद्भुत होती है, संतान का सुख देती है, मनचाही विवाह का सुख देती है। श्री नारायण को बहुत अधिक प्रिय है, माँ लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है और यह सौंदर्य में वृद्धि करने वाली एक अद्भुत वस्तु होती है। तो हल्दी आपको लेनी है, गंगा जल में से घोल लेना है और थोड़ा लेना है कुमकुम। जो हम कुमकुम जो है भगवान जी को भी समर्पित करते हैं ना, वही कुमकुम आपको लेना है लाल रंग का। उसमें भी जल या गंगा जल जो आपसे बन पड़े वह ले लीजिए। साथ के साथ आप सभी को जल का एक लोटा लेना है। घर पर यह उपाय नहीं करना है, घर पर लेकर आना है, फिर घर पर यह उपाय करना है। आप सभी को निरंतर मुख से जो है इस महीने जो कार्तिक का महीना होता है कहा जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जितना जाप कर सकते हैं ना उतना आपको परम सुख मिलता है। तो आप सभी को जितना संभव हो इस दिन जो है प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करना है। और आप सभी चाहें तो अपनी पूजा की थाली में बेलपत्र रख सकते हैं, भस्म रख सकते हैं, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो आपका मन है, जो प्रभु को आप समर्पित करना चाहते हैं, फूल पत्ती अपनी इच्छा अनुसार आप रख सकते हैं। चाहें तो आप सभी जो है जो जल का लोटा है उसमें गंगा जल मिला सकते हैं, कच्चा दूध मिला सकते हैं जो कि वंश में वृद्धि के लिए माना जाता है। गंगा जल जो है हमारे पापकर्म को नष्ट करने के लिए माना जाता है, साथ ही पितरों को सुख प्रदान करने के लिए। चीनी अर्थात शक्कर जो है जीवन में और ग्रहों की जो दशा है उनको पूर्ण रूप से अंतरदशा को काटने वाला माना जाता है। और जल के लोटे में लाल चंदन मिलाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, पीला चंदन मिलाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, हरा मूंग मिलाने से बुध ग्रह मजबूत होता है, काले तिल मिलाने से शनि और जो है जो जौ होती है उसे जल के लोटे में मिलाकर प्रभु को समर्पित करने से राहु संबंधी परेशानी होती है। तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आपका जो मन है आप इस जल के लोटे में मिला लीजिए। अब इसको ले जाकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको बैठना है, निरंतर प्रभु से अपनी मन की कामना कहनी है। सबसे पहले आप जो गोलबत्ती का घी का दीपक लेकर गए हैं वह आपको प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद जल के लोटे को आप अपने घर के मटके से जो लेकर गए हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, जो माता अशोक सुंदरी, सबसे पहले आपको वहीं पर जल चढ़ाना है। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाना है, उसके बाद जो है शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो माता अशोक सुंदरी है वह महादेव और गौरी मैया की सबसे छोटी पुत्री है। उनको ऐसा वरदान प्राप्त है कि कार्तिक महीने में आपका यह जो उपाय करेगा उसे पुत्र प्राप्ति होगी, उसके घर में धन संपदा कलह कलेश इत्यादि जो भी परेशानी है उनका निदान होगा और अद्भुत स्वरूप में जिस कामना के तहत जो भी आपके मन में कामना है वह पूर्ण होगी। इस प्रार्थना के तहत आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाना है, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। अब आप सभी जो दीपक लेकर गए हैं उससे आपको शिवलिंग और समस्त शिव परिवार की आरती कर लेनी है। अब आपको हाथ जोड़ना है, कहना है हे माता अशोक सुंदरी, हे समस्त शिव परिवार, हे समस्त गौरी मैया और यहाँ पर विराजमान सभी पंच देवी देवताओं, आज मैं कार्तिक माह के पुण्य महीने में हल्दी कुमकुम का श्रेष्ठ उपाय करने जा रही हूँ। हे श्री नारायण मेरे जीवन को सार्थक करें, हे माँ लक्ष्मी मेरे जीवन में मेरी यह मनोकामना है, इसके तहत मैं यह उपाय करने जा रही हूँ, मेरी कामना सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर छोटी उंगली जिसे कहा जाता है, उससे आप सभी को हल्दी और कुमकुम की एक एक बिंदी जो है माता अशोक
सुख सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कहते हुए। देखिए मनोकामना कोई भी हो सकती है, पुत्र प्राप्ति की हो, व्यापार चलने के लिए इसके लिए, विवाह की हो सकती है, ट्रांसफर, कोई भी ए टू जेड कोई भी मनोकामना है वह कहते हुए आपको सच्चे भाव सच्चे मन से अपना नाम गोत्र भी बोल सकते हैं। यह अत्यधिक शुभ माना जाएगा। हे माता सुख सुंदरी मेरी कामना पूर्ण करो, ऐसी प्रार्थना करते हुए हल्दी कुमकुम की एक एक बिंदी अनामिका उंगली से माता सुख सुंदरी के स्थान पर आपको लगा देनी है। माता सुख सुंदरी का स्थान कहाँ है मैंने स्क्रीन पर दिखाया है। फिर उसी उंगली को आपको थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा लगाना है ताकि आपकी उंगलियों पर अच्छी तरह से हल्दी कुमकुम रह जाए। चाहे तो थोड़ा माता अशोक सुंदरी के स्थान से आप ले आइए। अब आप सभी को अपने घर पर आ जाना है, झोली पसार लीजिए, अपने मन की बात कह दीजिए, समय लीजिए, आपकी कामना इस पवित्र महीने में पूर्ण हुई। उसके बाद इतना विश्वास आपको होना चाहिए, उसके बाद घर के दरवाजे पर आकर गुरु जी कहते हैं हल्दी कुमकुम की आप सभी को अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ एक एक बिंदी लगा देनी है। यह कार्य करते हुए भी मेरे घर में खुशियां आए, मेरे दुकान में हर कार्य बन जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको हल्दी कुमकुम का एक एक तिलक लगा देना है। चाहे तो स्वास्तिक बनाएं, चाहे तो तिलक लगाएं, चाहे तो बिंदी लगाएं, इच्छा आपकी है। निश्चित रूप से देखेंगे परिवार बदल रहा है, सुख समृद्धि पति बच्चे आपके कहे अनुसार चल रहे हैं, शांति हो रही है, घर में हल्दी कुमकुम का प्रभाव हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं तो सही संगत संतान की प्राप्ति हो रही है। इतना सुंदर वर्णन इस कार्य का मिलता है, करके देखिएगा लाभ। अब बात कर लेते हैं कार्तिक महीने में किए जाने वाले अन्य उपायों को। यह उपाय आप 16 अक्टूबर से 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा से तक कभी भी कर सकते हैं, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं, ठीक है जी। 16 अक्टूबर से 15 नवंबर पूरा एक महीना है इन उपायों को करने के लिए, जब भी समय मिले आपको करना है। वह उपाय है तुलसी का उपाय। बिना व्रत के भी आप नियम बांध लीजिए। आपने देखा होगा कार्तिक महीने में महिलाएं पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ठंडे पानी से स्नान करते हैं, कार्तिक महत्व सुनते हैं, तुलसी माता का पूजन करते हैं, हल्दी कुमकुम जो है तुलसी माता में समर्पित करते हैं और साथ के साथ शालिग्राम जी को तुलसी में विराजमान कर उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। अगर आप सभी कोई विशेष नियम नहीं ले पाते हैं, कोशिश तो करें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप सभी जो है गंगा जल में से जल से स्नान करें, गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर आसन का चुनाव कर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। परंतु ऐसा न कर पाने की स्थिति में आप सिर्फ सुबह उठकर रोज यह नियम बना लेना है। आप कोई दिक्कत नहीं है, रविवार को ना करें, एकादशी में तुलसी में नहीं चढ़ाया जाता जल, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको कार्तिक माह में अपनी मनोकामना कहते हुए कि हे माँ वृंदा, हे तुलसी मैया, आप माँ लक्ष्मी स्वरूपा है, श्री नारायण के अर्धांग है, मेरे जीवन में पुत्र की प्राप्ति हो, मेरा मनचाहा विवाह हो, या जो भी मनोकामना है वह कहते हुए आपको तुलसी में कच्चा दूध रोज चढ़ाना है। यह कार्य आप एकादशी द्वादशी के दिन कर लेते हैं जो इस महीने आती है, और पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपका भाग्य बदल रहा है, आपको संपूर्ण कार्तिक माह की दान पुण्य स्नान का पूजा का फल मिल रहा है। दीप दान करें, एक कच्चा दूध चढ़ाएं, तुलसी माँ में हल्दी कुमकुम चढ़ाएं, रोज सुबह शाम दीप लगाएं, कार्तिक महत्व सुने, तुलसी माँ के साथ परिक्रमा लगाएं, फिर देखिए तुलसी की आप एक सुंदर स्वरूप में पूजा करते हैं तो पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति होगी। जिस कामना के तहत आप यह कार्य करेंगे पूरे महीने भर में आपके जीवन में अपने आप ही बदलाव आना शुरू हो जाएगा। यह महीना कोई साधारण नहीं है, और इस नियम को भी बांध लीजिए कि आपको तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक रोज श्रीहरि विष्णु के निमित्त कार्तिक महीने में लगाना है, भाग्य बदल जाएगा, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो कार्तिक महीने में हल्दी कुमकुम का उपाय, तुलसी का उपाय करके देखिए, जीवन ऐसा बदलेगा आप देखते रह जाएंगे। साथ ही आप सभी को कोशिश करनी है, आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक माला का पूरे कार्तिक महीने में नियम ले लीजिए, शरद पूर्णिमा से कार्तिक